इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जीवन में संवाद करने की कला आ जाए तो समाधि की यात्रा प्रारंभ होती है। बोलने की कला है, कैसे बोला जाता है, एक ऐसे अध्याय की आराधना आज जो बहुत गहरा है। इसलिए गहरा है कि सामाजिक समस्याओं का समाधान भी उसमें है। इसलिए गहरा है कि उलझी हुई गुत्थियों को कैसे सुलझाया जाता है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इस अध्याय में है। इसलिए भी गहरा है कि हमारी स्वयं की जीवन की अंतर जीवन की जो समस्याएं जिनको हम नहीं जानते लेकिन जीते हैं, उन बीमारियों की चर्चाएं और उन बीमारियों की दवा भी इस अध्याय में है। इसी अध्याय में छोटे के पास उस कला का जिक्र है कि कैसे वो बड़ों को भी समर्पित करा लेता है। अनूठा है कि छोटा व्यक्ति इस तरीके से अपनी बात रखता है कि बड़े का मन हो जाता है वंदन करने का है। और बड़े वंदन करते हैं। केशी और गौतम का यह अध्याय जिनशासन का एक अनूठा अध्याय। भगवान पार्श्वनाथ के उत्तराधिकारी केशी श्रमण, भगवान महावीर के ज्येष्ठ और वरिष्ठ शिष्य इंद्रभूति गौतम, भगवान पार्श्वनाथ ने उद्घोषणा करी थी कि मेरे निर्वाण के बाद 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर होंगे। भगवान पार्श्वनाथ ने उद्घोषणा करी थी कि तीर्थंकर महावीर भी उन्हीं सिद्धांतों को विश्व को प्रदान करेंगे जो सिद्धांत मैंने दिए। अंतर होगा तो व्यवस्था में होगा, अंतर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में होगा। भगवान महावीर अगले 21,000 सालों के लिए जिन शासन को गतिशील रखने के लिए आवश्यक ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग तरीके से गठन करेंगे, एक अलग डिसिप्लिन देंगे, ये भगवान पार्श्वनाथ बता करके गए थे। उसके बावजूद जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, भगवान महावीर ने तीर्थ स्थापना करी, 11 गंधर्वों ने दायित्व को संभाला है, हजारों लाखों लोग भगवान महावीर के शासन में समर्पित हो रहे थे, लेकिन आश्चर्य भगवान पार्श्वनाथ के साधु और साध्विया भगवान महावीर को तीर्थंकर के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, उनके चरणों में समर्पित नहीं हो पा रहे थे। उनके मन में द्वंद्व है, नहीं कहूंगा, लेकिन एक आग्रह है कि हम भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में हैं, हमें भगवान महावीर के शासन में जाने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन जनता में, साधु साधियों में, जैसे आपके मन में आज विविध संप्रदायों को लेकर के, अलग अलग संप्रदायों का अलग अलग प्रोटोकॉल डिसिप्लिन देख करके मन में सवाल आते ही रहते हैं कि कौन सच्चा है, कौन सही है, कौन आगम के अनुसार चल रहा है, कौन सिद्धांत के खिलाफ चल रहा है। और हर परंपरा अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास करते कि हम ही परमात्मा के सिद्धांतों के सत्य निष्ठासीन प्रवक्ता है, दूसरे में से नहीं है। लेकिन यह मनभिन्नता कितना कंफ्यूजन तैयार करती है, कितना संभ्रम तैयार करती है। और यह संभ्रम कितने लोगों को धर्म के साथ जोड़ने के लिए दरवाजे बंद कर देता है। अरे इनमें ही एक वाक्यता नहीं है, यही परस्पर में मतभेद रखते हैं, तो हम क्या करेंगे इनके पास जाकर के। वैसा उस समय भी चल रहा था, एक गंजे पवन्ना नाम तो एक ही कार्य के लिए, एक ही ध्येय के लिए, एक ही श्रद्धा के साथ चलने वाले सज्जन जब एक राह पर नहीं आते तो दुर्जनों को हमला करने का मौका मिल जाता है। ये आज का भी सत्य, ये कल का भी सत्य था और ये भविष्य का भी सत्य है। गुंडों का संगठन आराम से हो जाता है, सज्जनों को संगठित होने के लिए बड़ी प्रयास बहुत मुसीबत जाती है। इंद्रभूति गौतम इस परिस्थिति को जानते हैं, महसूस करते हैं। यदि इस विशाल भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ को परमात्मा के धर्म संघ में समर्पण नहीं कराया तो भविष्य क्या होगा। जैसे आज समाज के प्रबुद्ध वर्ग इस भाव को बार बार कहते ही रहते हैं, यदि इसी प्रकार के संप्रदायों में धर्म बढ़ता रहा तो आने वाली जनरेशन धर्म के साथ कैसे जुड़ पाएगी। और वही बहुत इंद्रभूति गौतम के मन में भी होगा कि दो तीर्थंकरों को मानने वाले परस्पर में एक होकर के नहीं चलेंगे तो भविष्य क्या होगा। और इसलिए उन्होंने भगवान महावीर से आज्ञा ली, निवेदन किया कि मैं केशी श्रमण से मिलकर के आता, मैं केशी श्रमण से संवाद करता। केशी श्रमण के मन में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के अवरोध है उस अवरोध को दूर करता। भगवान महावीर की आज्ञा लेकर के भगवान महावीर से विहार किया उन्होंने और श्रावस्ती नगरी आए जहां केशी श्रमण है। बहुत बड़ा साहस था। और जिन्हें किसी को मिलाना हो उनको हिम्मत तो करनी ही पड़ती है। एक विराट धर्म संघ का नेतृत्व करते हुए केशी श्रमण, जो ज्ञान संपन्न है, जिनके पास अवधि ज्ञान है, जिनके पास भगवान पार्श्वनाथ की श्रुत संपदा है, जो प्रबुद्ध है, जो साधना के लिए समर्पित है,
ऐसे केशी श्रमण को जिनकी दीक्षा इंद्रभूति गौतम की दीक्षा के पहले हुई है। भगवान महावीर का शासन स्थापन होने के पहले जिन्होंने संयम के मार्ग पर अपनी कदम धरे वह श्रावस्ती नगरी में अपने विराट साधु साधी परिषद के साथ इंद्रभूति गौतम भी श्रावस्ती नगरी पहुंचे। दोनों अलग अलग बगीचे में रुके हुए हैं, दोनों अलग अलग उद्यान में रुके हुए हैं। उस समय की बात है कि तीर्थंकर परमात्मा और तीर्थंकर परमात्मा के साधु साध्वी सार्वजनिक स्थानों पर ही रहते थे, वो किसी परंपरा के स्थान पर नहीं रहते थे। और सार्वजनिक स्थान पर रहने का एक सबसे बड़ा लाभ होता था कि हर कोई आकर के सहज जुड़ सकता था। वहां पहुंचने के बाद इंद्रभूति गौतम ने केशी श्रमण के पास जाने का निर्णय लिया। आए ही उसी के लिए थे और केशी श्रमण के पास जब जाने के लिए चल पड़े पूरे श्रावस्ती नगरी में एक उल्लास, एक उमंग, एक कौतूहल कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। इंद्रभूति गौतम किसी श्रमण के पास पहुंचे, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था कि इंद्रभूति गौतम किसी को, किसी संत को मिलने के लिए जाए। किसी श्रमण के पास भी अवधि ज्ञान है, उन्हें भी तो खबर लगी चुकी है कि इंद्रभूति गौतम मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं। दो अलग अलग धाराएं, दो अलग अलग तीर्थंकरों को मानने वाले हैं। अभी तो हम सारे एक ही तीर्थंकर को मानने वाले हैं, उस समय तो उनके आगम भी अलग थे, प्रोटोकॉल भी अलग था, ड्रेस कोड भी अलग था। इसके बावजूद उनको मिलने में दिक्कत नहीं गई। मिलने का मन हो तो रास्ते बनते हैं और मिलने का मन न हो तो संघर्ष करने के रास्ते चुनते हैं। ये संगम का अध्याय, ये संवाद का अध्याय, ये समर्पण का अध्याय, ये सौहार्द का अध्याय, और ये अध्याय आज आपके लिए बहुत जरूरी है। आप जनरेशन गैप की बात करते हो और आज जनरेशन गैप बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है, लेकिन सच में देखा जाए तो जनरेशन गैप नहीं, इमोशनल गैप है, रिलेशन गैप है, कम्युनिकेशन का गैप है। यदि कम्युनिकेशन करने की कला आ जाए तो रास्ता आराम से निकल सकता है। और निकालने के एक तरीके, केशी श्रमण को मिलने के लिए जिसमें इंद्रभूति गौतम चलते हैं तो केशी श्रमण उनको आता हुआ देख करके वेलकम करते हैं। परंपरा ही नहीं, मैं फिर याद दिला रहा हूं कि दोनों के तीर्थंकर अलग है, दोनों के आगम अलग है, दोनों की व्यवस्थाएं भिन्न है। उसके बावजूद इंद्रभूति गौतम का स्वागत करने में किसी श्रमण को किसी दोष की अनुभूति नहीं हुई। आप भी घर में ऐसा कर सकते हो, आप भी परिवार में ऐसा कर सकते हो, आप भी समाज में ऐसा कर सकते हो। कोई नया विचार सामने लेकर के आ रहा है, कोई न्यू थॉट्स लेकर के सामने आ रहा है, फर्स्ट यू वेलकम, उनका वेलकम करो। और वेलकम करने के बाद, क्योंकि आप बड़े हो, आप केशी श्रमण हो और केशी श्रमण का दायित्व है
नए का स्वागत करना है। मन में कुछ होगा आपके, डोंट, कोई थॉट्स होंगे, कोई सवाल होंगे, कोई जिज्ञासा होगी, कोई ऑब्जेक्शन होगा, कोई क्वेश्चन होगा, आस्क फ्रीली, पूछा जा सकता है। और किसी श्रमणी रघुते गौतम का स्वागत किया, उनको बैठने के लिए आसन दिया। उसमें आसन घास के आसन होते थे, लेकिन बैठने के लिए आसन दिया। और आसन देने के बाद किसी श्रमण ने बात शुरू करी। अनाथा इंद्रभूति गौतम ने, लेकिन बात शुरू करी केशी श्रमण ने। बड़ों ने बात शुरू करनी होती है, आना होता है छोटों ने, लेकिन पहल करनी होती है बड़ों ने। और बड़ों ने पहल करते हुए इंद्रभूति गौतम से पूछा कि मेरे मन में कुछ समस्या है, मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, मेरे मन में कुछ संभ्रम है, मेरे मन में कुछ डाउट है, यदि तुम स्वीकृति दो तो मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं। बड़े यदि छोटों के साथ इस भाषा में बात करें, क्या छोटे उनको प्रेम नहीं देंगे? यदि बड़ों ने छोटों को इतना रिस्पेक्ट दिया कि मेरे मन में कुछ सवाल है जो मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं, तुम कहो तो मैं पूछता हूं, बिना परमिशन नहीं पूछते नहीं है। मतलब इंद्रभूति गौतम कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा आप पूछे, यही भूमिका है। और इसके बाद जो सवाल चलते हैं, आओ इन भावों के साथ यात्रा करें कि कहीं भी समस्या उलझी हुई होगी तो हम केशी श्रमण और इंद्रभूति गौतम बनकर के उसका समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।